दोस्तों, अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को थोड़ा और ग्रोथ मिले, तो आपको अपने बिजनेस को, चाहे आप जो कर रहे हैं, आप किराना दुकानदार हैं, अगर आप ग्रोसरी का स्टोर डाले हुए हैं, अगर आपके पास जूते चप्पल की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, या आप किसी तरीके का कोई ऐसा स्टोर डाले हुए हैं जहां मल्टी वेंडर का काम करते हैं, तो अब जरूरत है कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाया जाए। ऑनलाइन लाने के बाद आप जो अभी तक अपने लोकल में मार्केट को पकड़े हुए हैं, जो आपके प्रोडक्ट को ऑफलाइन आने वाले कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो फिर अब जरूरत है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सारे एरिया को कवर करें, उसके बाद स्टेट को कवर करें, उसके बाद आप पूरे देश में एक्टिंग करने लग जाए बिजनेस। इसका मतलब है दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, अमेजोन, इन सारे तरीके से जो बिजनेस चल रहे हैं, उनके तरीके से आप मार्केट में आ सकते हैं। इससे आपकी सेलिंग कई तरीके से बढ़ जाती है। मैंने आपको थंबनेल में बताया है कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड में लाते हैं, तो आप चार तरीके की एक्स्ट्रा अर्निंग करने लग जाएंगे। वो क्या है, मैं अभी इस वीडियो में तुरंत बताने वाला हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस में लाने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने दुकान में, आप अपने स्टोर में जो भी सामान बेच रहे हैं, उसको अब जरूरत है कि आप एक ऐसा पोर्टल बना ले जहां उनको लिस्ट कर दे जाकर उनके प्राइस के साथ। मान के चलिए, अगर किसी आइटम का दाम 500 रुपया है और उसको आप डिस्काउंट करके 400 रुपये में बेच रहे हैं, तो वहां पर आप स्टार्टिंग में 500 रुपया लिखेंगे, उसको कट कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि MRP 500 था, लेकिन अब उसको आप 400 में दे रहे हैं, तो रिफाइंड प्राइस, रेक्टिफाइड प्राइस नीचे 400 रुपए करके आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप अपने पोर्टल पे हर एक आइटम्स को जो अपने स्टोर में बेच रहे हैं अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रचार की बात करूं तो जो भी आप वेबसाइट या ऐप बनाते हैं, उसके प्रचार के लिए आप बहुत सारे मोड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आप हैंडबिल, पैम्फलेट्स, लिफलेट्स, इन सारे पोस्टर्स, इन सारे माध्यमों से आप प्रचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह लोग हैंडबिल्स लगाकर डोर टू डोर सप्लाई दे रहे हैं, उसका भी सहायता ले सकते हैं। और फिर अभी तक आपने जिन कस्टमर्स को भी आइटम प्रोवाइड किया है या कर रहे हैं, उनके आइटम के पैकिंग के साथ अपने हैंडबिल को उस प्रोडक्ट के साथ सप्लाई कर दें। उसमें आप मेंशन करें कि अब अगर ऑनलाइन अपने घर बैठे हमारे से प्रोडक्ट को, सामान को मंगवाना है, तो आप दिए हुए एप्लीकेशन को या तो इंस्टॉल करिए या तो आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं बताऊं दोस्तों, यहां से चार प्रकार की अर्निंग कैसे होने वाली है। पहला अर्निंग दोस्तों, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो सेलिंग के माध्यम से आपको अर्निंग होने वाली है, वही आपको ऑनलाइन मोड में होगा। दूसरी है दोस्तों कि एड के माध्यम से आपके वेबसाइट और एप्लीकेशन के द्वारा अर्निंग आपकी कराई जाएगी। यानी अब मैं आपके वेबसाइट को कहता हूं कि मोनेटाइज करा लिया जाए, और मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपके वेबसाइट पे ऐड आने लग जाएंगे, आपके ऐप पे ऐड आने लग जाएंगे, जिसके बदले में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट करके दिया जाता है ऐड वाली जो भी एजेंसी है उनके माध्यम से। दोस्तों, तीसरी प्रकार की जो अर्निंग होगी वो है अफिलियट मार्केटिंग। अफिलियट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि एक बृहद चर्चा है। और अफिलियट मार्केटिंग में ऐसा कर सकते हैं कि आपके लिंक के माध्यम से जो लोग भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ कमीशन बन के आता है, इसको अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और भी इसका वाइड रेंज है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों, लोकल स्पॉन्सर का भी आप काम कर सकते हैं। जैसे आपके एरिया में जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे स्कूल वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, उनका प्रचार अगर आप अपने वेबसाइट पर, ऐप पे करना चाहते हैं, तो उनसे आप 1,000, 2,000, 5,000 रुपए डिमांड करके उनका पोस्टर या बैनर 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए या 6 महीने के लिए रन करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये चार प्रकार की अर्निंग है अगर ऑनलाइन मोड अपने बिजनेस को लाते हैं तो। ऑफलाइन तरीके से आपने बहुत अर्न कर लिया है, अब जरूरत है ऑनलाइन माध्यम से और 3 तरीके के अर्निंग को ऐड कर लेने की, यानी टोटल 4 प्रकार से कमाई करने की। दोस्तों, एक बार अगर आपका ये शॉप चल जाता है, ऑनलाइन शॉप चल जाता है, फिर तो आप आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी बनकर उभर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताऊं कि आप लोग इस तरह का वेबसाइट और ऐप कहां बनवा सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी इंफ्रेडिक्स टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमारे मैनेजर से संपर्क करिए, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। मैं वादा करता हूं कि मार्केट में जितने इसमें आप इस तरह के वेबसाइट और ऐप को बनवा रहे हैं, उससे काफी हेवी डिस्काउंट, 40% और 50% के भी ज्यादा के डिस्काउंट पर आपको वेबसाइट और ऐप बनाकर वहां पर दिया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है, तो आप नीचे जाकर उस नंबर से संपर्क जरूर करें और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आए। दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।